जय हिंद दोस्तों, मैं हूं माही और जीतने की जिद रखने वालों का स्वागत करता हूं अब जीतेंगे पर। साथियों, मोटिवेशन से मेरा बचपन से एक कनेक्शन रहा है और इसको आप शायद तब समझ पाएंगे जब कभी मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों से मिलेंगे। साथियों, मैंने अपने जीवन में जितना मुझे याद है कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है किसी का कत्ल करने से बड़ा पाप होता है उसको डिमोरलाइज कर देना। मैंने कभी किसी का मनोबल नहीं तोड़ा। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। साथियों, इसके पीछे का रीजन यह है, एक बहुत अच्छे पेंटर हुआ करते थे दोस्तों, बहुत अच्छे पेंटर थे वो। हमेशा पेंटिंग बनाते थे, कभी समुद्र के किनारे, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों के ऊपर। उनको ये था कि मेरी पेंटिंग बेस्ट होनी चाहिए, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पेंटिंग होनी चाहिए। तो वो हमेशा पेंटिंग बनाते, उसमें अपनी पेंटिंग में खुद ही कमी निकाल देते थे। साथियों, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में वो एक भी कमी नहीं निकाल पाए, एक भी कमी। वो बहुत खुश थे, उनको ऐसा लगा कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई और इस पेंटिंग में मैंने आई डोंट सी एनी मिस्टेक इन दिस, मैंने ही इसमें कोई कमी नहीं देखता। साथियों, उन्होंने वो पेंटिंग ले जाकर एक चौराहे पर रख दी और उसके ऊपर लिख दिया कि जिसको कोई कमी नजर आए वो इस पर मार्क कर दे, यानी टिक कर दे उस जगह पर। दोस्तों, वो कॉन्फिडेंट थे कि उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। जब शाम को वापस लौटे तो पेंटिंग को देखा, उसमें हजारों टिक लगे हुए थे, ये कमियां वो कमियां। बहुत उदास हो गए, निराश हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या ये कमियां शायद, क्या ये सच में हैं, ये कमियां जो निशान लगाए हैं। तो वो एक विद्वान आदमी के पास गए और उन्होंने कहा, इस पेंटिंग को दोबारा आप उसी चौराहे पर रखो और इसके ऊपर ये न लिख के कि इसमें जो कमियां हैं उस पर निशान लगा दो, उस पर लिखना कि इसमें जो कमियां हैं उसको सुधार देना। साथियों, उन्होंने वैसा ही किया, जाकर पेंटिंग रख दी चौराहे पर और जब शाम को लौटे तो उस पर एक भी निशान नहीं था। लोग आप में कमियां निकाल सकते हैं, आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं, आपका मनोबल गिरा सकते हैं। साथियों, आप में 1000 कमियां बता सकते हैं, लेकिन सुधारनी वो उनमें से किसी को नहीं है। आपको कोई भी आकर उस चीज में साथ नहीं देगा, वो सुधारनी आपको ही है। दोस्तों, मैंने देखा है 625 वाले बच्चे हों, या वो बच्चे हों जो रिटन में पास नहीं हुए, वो बच्चे हों जो फिजिकल में कहीं ना कहीं रह गए, उन सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, जो मेरे दोस्त हैं जो अब जॉब ले लेंगे उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं रह गए हैं उनको पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको साथ में लेके चलना है। साथियों, उनसे बस एक ही बात कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। साथियों, ये जो भी हुआ वो सबको भूल जाओ, वो जो निकल गया उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, कोई डिमोरलाइज नहीं होगा। खासकर मैं उस बच्ची से रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने कल एक कमेंट लिखा था, उसमें लिखा था, आई एम सॉरी सर, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। यस, आई वॉज वेल नोन विद दिस थिंग, मैं इस चीज को जानता था कि आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस वो छोटी सी चूक है जो आराम से सुधारी जा सकती है। साथियों, एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप उसी से डिमोरलाइज होके बैठ गए, जो हुआ, हम फिजिकल में नहीं हुए, हमारा रिटिन नहीं हुआ, हमारा मेडिकल में नाम नहीं आया, अगर आप उससे बैठ गए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना देना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, मैं मोटिवेशन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लोगों को उत्साह वर्धन करना मेरा शौक है। साथियों, देखो दोस्तों, मैं शिव मंगल सिंह सुमन का बहुत बड़ा फैन हूं, वो बहुत अच्छे कवि हैं, वो हमेशा वीर रस की कविताएं लिखते हैं जो आपको जोश जगा दें। साथियों, सबसे पहले मैं संदीप द्विवेदी जी की 2-3 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा जो इस घटना से संबंधित हैं। साथियों, मिलना था जो नहीं मिला वो, चलना था जो नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, मिटने को मजबूर हो गए, इस हार को जीवन भर ढोने से, लेकिन क्या कुछ होता है क्या, नहीं मिला वो मिल जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। साथियों, जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे, सर ये तो पीछे वाला हो गया, हम आगे कैसे बढ़ें। आगे का चैलेंज मैं आपको अब दे रहा हूं साथियों, और ध्यान रखना कि शिव मंगल सिंह सुमन जिन्होंने ये कहा था कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में कोई फर्क नहीं होता, उन्होंने कुछ पंक्तियां ये भी लिखी हैं। साथियों, आप समंदर को जानते हो, समंदर ऐसी चीज है कि उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको पार करो तो छाती दहल जाती है, रूह कांप जाती है कि है
ये तो नामुमकिन है, लेकिन नहीं, देखो क्या लिखते हैं कि सागर की अपनी सीमा है, सब जानते हैं, माझी भी पर कब थकता है। सागर की तो अपनी सीमा है, सब जानते हैं, लेकिन जो उसमें नाव लेके कूद पड़ा है, यानी जब हमने जन्म ले ही लिया है इस संसार में, तो साथियों माझी कभी थकता नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता। आई रिपीट, सागर की अपनी सीमा है, माझी भी पर कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता है। साहस के बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। साथियों एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीने का मतलब, यहां सभी वही कर रहे हैं, 95% लोग वही कर रहे हैं। अगर आप भी वही कर रहे हैं तो दुखी मत हुआ करें, वैसा जीवन तो आपको मिलने ही वाला है। आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, एक सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंपटीशन है, तो उसमें आप अपनी नाव को अच्छी अच्छी रोड पर या अच्छे अच्छे पानी की समतल पानी पर नहीं ले जा सकते, आपको समंदर में तूफानों में उतरना ही होगा और उसको ले जाना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। ऐसे ही आपको बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा। साथियों आपके लिए कोर्सेज भी प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको एक साथ ही लॉन्च करें। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।